कस्बा फ्यूल सेंटर के सामने अज्ञात ट्रक एवं जुगाड़ गाड़ी की टक्कर में जुगाड़ गाड़ी के चालक बुरी तरह से जख्मी हो गया। स्थानीय लोगों ने कस्बा पुलिस के सहयोग से जख्मी जुगाड़ गाड़ी चालक को सदर अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया, जहां चालक की स्थिति काफी चिंताजनक बताई जा रही है। घटना के दौरान NH-57 पर घंटों यातायात बाधित रही। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार कस्बा थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव निवासी 35 वर्षीय मोहम्मद जुबैर आलम अपने जुगाड़ गाड़ी से गढ़बनेली से अपने घर फतेहपुर जा रहे थे। इसी क्रम में NH-57 के कस्बा फ्यूल सेंटर के समीप तेज गति से आ रही अज्ञात ट्रक ने जुगाड़ गाड़ी को टक्कर मार दी, जिसके कारण जुगाड़ गाड़ी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और चालक भी गंभीर रूप से जख्मी हो गए। स्थानीय लोगों ने चालक को विशेष उपचार के लिए पुणे सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका उपचार किया जा रहा है, लेकिन उनकी स्थिति काफी गंभीर बताई जा रही है। मैंने यहाँ देखा कि एक्सीडेंट हुआ और कौन गाड़ी मारा नहीं मारा हमको उससे जानकारी नहीं है, लेकिन दोनों पैर टूटा हुआ है। इसको इलाज के लिए हम लोग चाहते हैं कि जल्दी इसका इलाज हो, रोड जाम रहे। कितनी देर से आप देख रहे हैं? हम करीब करीब यहाँ 15 मिनट से देख रहे हैं। क्या स्थिति है? स्थिति उसका बहुत गंभीर है, इसलिए हम चाहते हैं कि उसको इलाज में भेजा जाए, रोड जाम रखे, थाना प्रशासन आए, उसका मतलब सही निर्णय हो। खबर में फतेहपुर काटपुर फतेहपुर पहचानते हैं? हाँ। क्या नाम है इसका? मोहम्मद जुबैर। हैं? मोहम्मद जुबैर। जुबैर नाम है। क्या चीज से हुआ एक्सीडेंट? 18 चक्का से। नहीं नहीं, ये क्या चीज से आ रहा था? ये ठेला चलाता गरीब आदमी ने। हैं? टमटम से आ रहा था। हेलो, जुगाड़ गाड़ी से? हाँ जी। हैं? हाँ।